मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू डीपी ब्लॉग्स। मेरा नाम है दीपक पाल और आज हम हैं यहाँ 29 तारीख अक्टूबर। सारी गाँव है यहाँ से दोरिया ताल का ट्रैक हम शुरू करने वाले हैं। कल रात को हम यहाँ पर पहुँचे थे और कल रात को यहाँ पर हमने नंदा देवी जी की, जो कि तुंगनाथ जी की धर्मपत्नी हैं, उनकी डोली देखी थी। बेसिकली यहाँ पर जो सारी गाँव है यहाँ पर ननिहाल बनाया हुआ है और उखी मठ जो है वो मायका है और तुंगनाथ ससुराल है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वहाँ से दियोरिया ताल को एक्सप्लोर करके, जो कि लेस एक्सप्लोर्ड जगह है, उसको एक्सप्लोर करके वापस आएंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे तुंगनाथ जी के लिए या फिर चोटा हम रुक जाएंगे, ये आसपास ही है। ये है हमारा होटल, पीछे होटल ठीक है, अच्छा लगा, बहुत डिसेंट सा होटल है, रुद्र होली कॉटेज, काफ़ी डिसेंट सा लगा। और ये यहाँ के ऑनर, नाम बताया अपना, जयदीप नेगी सर, जयदीप नेगी जी। तो यहाँ ये ऑनर है यहाँ के, आप क्या क्या करवाते हैं यहाँ पर? यहाँ पे ट्रैकिंग कैंपिंग सब कराते हैं सर, ट्रैकिंग कैंपिंग भी कराते हैं सर, और इनका होटल भी है खुद का यहाँ पर। तो अगर कोई जानकारी वगैरह चाहिए तो मैं इनका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर दियोरिया ताल और कौन कौन से ट्रैक हैं? देवरे ताल हो गए, चंद्रशिला, तुंगनाथ, चोपता, मध्यमेश्वर, केदारनाथ, इन सबके ट्रैक की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इनसे मिल सकती है। कॉल करके आ सकते हैं, मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और यहाँ से भाई बता रहे थे कि तुंगनाथ जी का टॉप भी दिख रहा है ना? बिल्कुल हाँ, यहाँ से ये चंद्रशिला और तुंगनाथ के व्यू सामने है। हाँ बताना एक बारी कहाँ पर ये सामने सर, ये टॉप जो हाईएस्ट माउंटेन दिख रहा है, हाँ, ये चंद्रशिला, चंद्रशिला जी सर, और वो थोड़ा नीचे पे तुंगनाथ महाराज। अच्छा, जो चमक रहा है जो मंदिर जी है। सर जी सर, वो मंदिर है वहाँ पे, ये तुंगनाथ महाराज है और चौथा नीचे हो गए जी सर। हाँ, यहाँ से ऊपर है ये, मतलब सेंटर पड़ गए समझ लो। अच्छा, सेंटर है जी, ये देवरताल जो है ऊपर को हो गए, देवरताल जहाँ हम जा रहे हैं, जिसको दियोरिया ताल कहते हैं, यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में देवरताल कहते हैं जी। और वो हम अभी ट्रैक शुरू कर रहे हैं, तो चलो फिर आपको लेके चलते हैं इस ट्रैक पे और इंजॉय करेंगे, आपको भी कराएंगे। सो गाइस, वी आर स्टार्टिंग अवर ट्रैक और होटल छोड़ के अब चल रहे हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं ट्रैक को। ठीक है नेगी जी? ठीक है सर, मिलते हैं आपको वहीं से, हम फोन करके बता देंगे नेगी का। हाँ जी सर, फोन कर देना। हाँ चलो भाई, चलो ठीक है, चलें। ओके जी, ओके सर, ओके भाई। मास्क हमने ले लिया है, अभी जैसे ही थोड़ा सा भीड़ भड़का आएगा तो मास्क पहन लेंगे। वहाँ ऊपर हमारी बाइक खड़ी है, बाइक पे एक बार नज़र मारते हुए चलेंगे। तो जी, ये खड़ी अपनी बाइक्स यहाँ पर पार्क कर रखी थी रात में, और वो रही विकास भाई की बाइक, ये रही मेरी, सेफली खड़ी है, यहाँ कोई ना प्रॉब्लम नहीं आती उत्तराखंड के अंदर। तो मित्रों, यहाँ से है रास्ता शुरू, आप देख रहे होगे मेरे पीछे दियोरिया ताल के लिए प्रवेश द्वार लिखा हुआ है, और यहाँ से लिखी है दूरी 2.3 किलोमीटर की। तो यहाँ से शुरू करना है हमने अपना दियोरिया ताल का ट्रैक। चलो जी, ट्रैक शुरू ही किया है, और ये देखिए यहाँ से आप घोड़े करना चाहो घोड़े भी कर सकते हैं। अभी यहाँ में कोई मिला नहीं है, जो हम प्राइस अभी पूछ के आपको बताएं, अभी थोड़ी देर में अगर कोई मिलता है घोड़े वाला तो मैं आपको पूछ के बताता हूँ कि वो क्या चार्जेस लेते हैं। वैसे 2.3 किलोमीटर है, अगर कोई नहीं चढ़ सकता तो उनके लिए घोड़े भी अवेलेबल है। अभी यहाँ पर थोड़े घर वगैरह हैं, आगे जाके घर वगैरह जो है ख़त्म हो जाएंगे और जंगली रास्ता शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से दो रास्ते कट रहे हैं, आइडिया नहीं है किस तरफ को जाना है। भैया ये रास्ता यहाँ से दियोरिया ताल ये जी, धन्यवाद। तो अभी हमने यहाँ घर में पूछा तो उन्होंने बताया कि रास्ता यहाँ से, और एक छोटा सा साइन बोर्ड शायद आपको दिख रहा होगा बना हुआ है, बट लिखा कुछ नहीं हुआ कि कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, छोटा सा एक काली कोयले से बना रखा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, आ जाओ भाई। अभी थोड़ी देर पहले तक मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये ट्रैक बड़ा अच्छा है, बड़ा आसान है, बट हाँ अब हाइट मिलने लगी है। और दूसरी चीज ये कि आसान मुझे इसलिए लग रहा था क्योंकि मेरे पास जो बैग है वो मैं घर होटल में भूल गया था, अभी से लेके आया हूँ, अब ट्रैक कंटिन्यू कर रहा हूँ।
थोड़ा सा ही हमने शुरू किया है और यहाँ पर जो अद्भुत पक्षी हैं जो शहरों से लुप्त हो चुके हैं उनकी आवाज़ें, उनकी चिरपिंग सुनने को मिल रही हैं। शायद आप भी सुन पा रहे हो, अगर इसमें रिकॉर्ड हो रहा होगा तो ज़रूर आप सुन पा रहे होगे। बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें आ रही हैं और देखने को भी मिल रहे हैं। सो गाइज, यहाँ पर एक कैफ़े ब्रांच है और एक मैसेज है यहाँ पर, डू नॉट लिटर। सो गाइज, अभी 300-400 meters ऊपर आए हैं और यहाँ पर मंदिर है बहुत खूबसूरत, शिव जी का तांडव का जो संगीत है वो बज रहा है यहाँ पर। अभी हमने दर्शन करे मंदिर के यहाँ पर और अब बढ़ रहे हैं आगे की तरफ को। यहाँ शिव जी का मंदिर है, शिवलिंग लगा हुआ है और नागराज जी का भी स्थान दिया हुआ है वहाँ पर। तो जी जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और यहाँ से देखिए आप नीचे सब कुछ छोटा छोटा सा हो गया है। और वो देखिए यहाँ पर तुंगनाथ जी का ट्रैक और उससे ऊपर सबसे टॉप पे जो आपको टिप दिख रही है वो है चंद्रशिला टिप। सो अभी हम पी रहे हैं बुरांच का जूस, यहाँ पर स्पेशल होता है पहाड़ों में, बुरांच का एक फूल होता है, हैं अंकल जी? हाँ जी, फूल होता है। फूल होता है, कैसे बताइए। धन्यवाद। रू अफजा फेल है अंकल जी बता रहे हैं। बुरांच का पेड़ है ये जो दिख रहा है आपको, इसमें आते हैं कौन से मौसम में आते हैं? ये आते हैं मार्च अप्रैल मई तक। मार्च से मई तक आता है जो फूल है और उसका ही ये हम पी रहे हैं इस समय शरबत। शरबत बोलेंगे इसे, जूस नहीं बोलेंगे, शरबत। मजा आ गया। निकले हुए हमें 1.25 घंटा हो चुका है और असीला वैली के जंगल का रास्ता घनघोर जंगल वाला शुरू हो चुका है। तो जी एक दूसरा तीसरा स्टॉप आया है, हालांकि यहाँ कोई है नहीं, पंच केदार एडवेंचर। यहाँ पर फ्लावर्स वगैरह बड़े अच्छे हैं यार, बट इन्होंने बंद कर रखा है, जा नहीं सकते। और यहाँ कैंपिंग वगैरह भी कराते हैं शायद ये लोग। बस अब ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं हम लोग। इत्तू सा रह गया, इत्तू सा 5 मिनट का रास्ता है, जल्दी से कवर करके फिर आपको दिखाते हैं हेवन। सो भाई ये लास्ट पॉइंट है, अब इसके बाद देवरिया ताल शुरू है और ये आखिरी ढाबा है, ये यहाँ पर आखिरी ढाबा है। सो गाइज, अब होने वाले हैं आपको लेक के पहले दर्शन, यानी कि फर्स्ट व्यू ऑफ लेक। सामने ही हमारे ये देखिए, ओह अच्छा व्यू है विकास भाई।
नहीं बढ़िया। प्रवेश शुल्क व्यस्क 150 रुपये, छात्र 18 साल से कम 75 रुपये, छात्र 18 साल से कम 38 रुपये। तो मित्रों पहुंच गए हम देवरिया ताल और आप देखिए पीछे मेरे नज़ारा। बेहद खूबसूरत देखकर आंखें जो है ना तृप्त हो गई हैं। पीक का नाम देखिए, यहाँ से होता है तुंगनाथ जी का ट्रैक शुरू।